सभी लोगों को इकट्ठा लाकर अनुभव मंटप के प्लेटफॉर्म पर बसवेश ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाए। हमारा कल्याण पर्व का उद्देश्य यही है कि बसव कल्याण में सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी संस्कृति के लोग एकत्र आए, क्योंकि हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए बहु संस्कृति को हमें मान्यता देना है। लेकिन आज हमारे जो देश में हो रहा है बहु संस्कृति के ऊपर प्रवाह हो रहा है। हमारा ये सबको शिव योगी शिव जग का पहला महापुरुष है, योगी पुरुष शिव है, और शिव संस्कृति के ऊपर भी प्रहार हो रहा है। इसलिए हम शिव को लेकर सभी बसवेश्वर जी के तत्व के अनुसार उनका एक वचन है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, ऐसा न कहलाइए, यहाँ अपना है, यहाँ अपना है, यहाँ अपना है, ऐसा कहलाइए। अंदरे इसका मतलब क्या है, इवन आरव इवन आरव इवन आरव एनदिरैया एंदेनिसदिरैया इवन अम्मव इवन अम्मव इवन अम्मव। लेकिन आज क्या हो रहा है समाज में, ये ब्राह्मण है, ये लिंगायत है, ये धनगर है, ये चांबार है, ये ढोर है, ऐसे भेदभाव का ये चल रहा है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी जो है ना, ये हमारे हिंदुस्तान के खून में ही है। हिंदू इस्लाम झगड़ा नहीं करते, ये राजकीय वजह से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन ये कहे तो एक बार हमने उसको विरोध करना पड़ता है। हिंदू और मुसलमान सभी भाई भाई हैं, और पॉलिटिक्स के लिए ऐसे भेदभाव या विष पहना गलत काम है। इसलिए बसवेश्वर जी के तत्व को लेकर हम सारे विश्व में समानता का तत्व फैलाना है, और बसवेश्वर जी का, मोहम्मद पैगंबर जी का एक ही उद्देश्य है। बसवेश्वर जी का जयंती हम करते हैं, जैसे मोहम्मद पैगंबर जी का भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर जी का जयंती होना चाहिए। और जो भी कंडीशन है आपका, कंडीशन डालकर उनको जयंती या मेरण मनाने के लिए, जयंती मनाने के लिए परमिशन देना चाहिए। जो नए बोले, नए नए बुलंदे 19 अक्टूबर को जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। 4 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को मरकजी सीरत कमेटी की जानिब से पुलिस कमिश्नर सिटी कलबुर्गी और डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को हमने एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें ये कहा कि जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने पर जो पाबंदी आयद की गई है उसको जल्द से जल्द विड्रा किया जाए, उसको वापस लिया जाए, और हमें बाज़ाबता जो हर साल 42 साल से हम जो जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते आ रहे हैं उसी तरीके से मनाने की हमें इजाज़त दी जाए, हमने बंदोबस्त किया जाए। ये हमारा वहाँ पर डिमांड था, लेकिन अभी तक सरकार की जानिब से, यानी हुकूमत कर्नाटक की जानिब से कोई वहाँ पर जवाब नहीं आया। यही वजह है कि आज हमने सभी धर्म के लोगों ने, खासकर हमारे पूज्य चन्नबसवा स्वामी जी जो कोडल संगम वीर सेवा लिंगायत समाज के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, और हमारे उलमा इकराम की मौजूदगी में हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वज़ीर आला कर्नाटक श्रीमान बोम्बई जी से हमने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द ये जो गाइडलाइन है इसको विड्रा किया जाए, वापस लिया जाए, और अगर बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी हो रही है परमिशन देने में तो हम सभी कंडीशनों को मानने के लिए तैयार हैं। गुलबर्गा शरीफ में बिजनेस को खोला जा सकता है। शहर गुलबर्गा शरीफ में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, पार्क, सिनेमा हॉल, दुकान, हर वो चीज़ खोली जा सकती है। उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जब बारी आती है, हुजूर के जुलूस की जब बारी आती है, तो उस पर कोरोना वायरस के गाइडलाइंस का लेबल लगाया जा सकता है। तो बताइए कहाँ का इंसाफ है। तो हम शहर गुलबर्गा शरीफ के तमाम अवामुन्नास और अवाम अहल सुन्नत, हम ये गुजारिश करते हैं कि जुलूस मिलादुन्नबी की परमिशन दी जाए। अगर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर परमिशन ना मिले तो याद रख ले हम बगैर परमिशन के जुलूस मिलादुन्नबी निकाल कर रहेंगे। तमाम हजरात को इत्तला दी जाती है कि गुलबर्गा की जो ज़िम्मेदार कमेटियां हैं वो लोग अपने तौर पर पुलिस से जो है इंतज़ामी उमूर संभालने के लिए जो है गुजारिशात पेश कर रही हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। तमाम हजरात को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पर इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा। तमाम उलमा ने भी मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया है कि हुकूमत अपना बंदोबस्त करे या ना करे, हम हर हाल में जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमेशा से जिस तरह से हमारी रिवायत रही है उसी तरह से हम मनाने का, निकालने का जो है इंतज़ाम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। वी आर रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट
टू ऑनर द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ कर्नाटका एंड टू अलाव द फंक्शन एंड प्रोसेशन ऑफ मिलादुन नबी एज इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट हाफ ए सेंचुरी इन गुलबर्गा. इफ एनी ऑन टूवर्ड इंसिडेंट ड्यू टू द पॉलिटिकल एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट हैपन्स, इट इज़ सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और वॉट एवर इट मे अराइज, एज पीपल आर वेरी मच हर्ट एंड पेन ड्यू द अनडेमोक्रेटिक एंड पोलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन ऑफ दिस गवर्नमेंट. सो वी हम्बली रिक्वेस्ट अगेन, हम फिर से दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर को फिर से रिकन्सिडर करे और मिलादुन नबी जश्न जैसे होता है हर साल पिछले 50 साल से, जिस तरीके करीब 50 साल से जैसे होते आ रहा है वैसे करने की इजाज़त दे. बीजेपी हुकूमत जो तानाशाही हुकूमत है कर्नाटका की हुकूमत की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी किया जाता है जिसके अंदर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मनाना कहा जाता है. तो इसके ताल्लुक से कल डीसी ऑफिस में उलमाए इकराम की सरपरस्ती में तमाम मशायखीन की सरपरस्ती में जो है एक एहतजाज भी हुआ, धरना भी हुआ. गुलबर्गे की आवाम ने गम गुस्से का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि कल जो भी 19 तारीख के दिन जो हमारी ईद है, जो योम विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उस दिन जो है हमको जुलूस की परमिशन दी जाए और कर्नाटका हुकूमत के जो भी गाइडलाइंस है उसको विड्रॉ किया जाए. ये हमने हुकूमत से मुतालबा किया. मैं कर्नाटका हुकूमत से और सीएम से दिल की अमीर गहराइयों से मुतालबा करता हूँ कि अपने जो भी हुकूमत के जो गाइडलाइंस है उसको विड्रॉ करे और कर्नाटका में जुलूस की परमिशन दे.